दोस्तों, यहाँ हम लोग क्लास 9th के सर्कल के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के मेंटल मैथ्स बुक में दी हुई है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करूंगा जितने हैं, और उसका जो बाकी ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये बोर्ड पे मुझे करवाना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बोलता है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपको दिख रहा है ए बी सी डी, और ये डीसी जो है वो पी तक एक्सटेंड हुआ है, और ये एक्सटीरियर 110 बना हुआ है। अब आपसे एंगल ए पूछ रहा है, तो सिंपल बात है, देखो जो एंगल बीसीपी होगा प्लस अगर बीसीडी करोगे तो 180 होगा। पूछो क्यों? क्योंकि सर ये लीनियर पेयर है, तो ये 110 है, लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा? 70। और सर किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी ये एंगल ए और एंगल सी मिलकर के 180 होना है। तो ये वाला 70 डिग्री हो गया, यानी ऑब्वियसली एंगल ए जो होगा वो 110 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। अब यहां बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ एंगल ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10वां करवा रहा हूं, ए और बी का सम पूछ रहा है, तो निकालते हैं। अब देखो ये 95 है, यहां पर ये 95 दे रखा है, ए डी क्यू आपका 95 दे रखा है, यानी ए डी सी जो होगा वो कितना होगा? ये ए डी क्यू और ए डी सी मिलकर के 180 होता है, तो ए डी क्यू 95 दे रखा है, यानी ये जो है 85 होगा। और ये अगर 85 हो गया एंगल डी, 85 अगर हो गया तो ये एंगल बी जो है, फिर एंगल बी और डी, एंगल बी और एंगल डी मिलकर के 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम, तो एंगल बी जो है वो 95 हो गया। और फिर यहां पर आप देख रहे हो 110 दे रखा है, बीसीपी 110 दे रखा है, बीसीपी 110 दे रखा है, यानी बीसीडी जो है वो 70 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। ये 110 है, तो ये वाला जो एंगल है बीसीडी वो 70 होगा, और ये अगर 70 होगा तो ये 110 होगा एंगल ए, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है जिसका सम 180 होता है। अब आपसे पूछ के आ रहा है कि ए और बी बताओ, दोनों का सम बताओ। तो ए जो है वो 110 है और बी जो है आपका 95 है, तो 110 और 95 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 11 9 20, यानी 205 डिग्री। तो इस तरीके से ये 10वां क्वेश्चन भी बन गया। अब चलो 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है? बोलता है ए ओ बी 140 है। अगर ए ओ बी 140 है तो ये ए सी डी ए सी बी, बेसिकली अगर एक ही, देखो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि अगर एक कॉर्ड है वो सेंटर पे एक एंगल बना रहा है और वही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे बना रहा है, तो अगर सर्कमफेरेंस वाला एंगल एक्स है तो सेंटर वाला एंगल जो है उसका डबल 2x होगा। तो यहां अगर एओबी अगर आपको 140 गिवन है तो एसीबी जो होगा वो हाफ होगा एओबी के, यानी वो 70 डिग्री होगा। अब एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 होना है, तो मैं एबीसीडी को मार्क कर दे रहा हूं। ये देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, तो अगर सी 70 है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 110 है ना। तो आपसे पूछ रहा है एंगल एडीबी कितना होगा, तो एंगल एडीबी कितना निकल गया आपका? 110 डिग्री निकल गया। अब बोलता है इन द गिवन फिगर, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, यहाँ 260 बन रखा है, रिफ्लेक्स एओबी 260 है। तो भैया किसी भी पॉइंट पे तो 360 का एंगल बनता है, तो तुम अगर 260 हो तो यहाँ अंदर वाला 100 डिग्री होगा, तभी तो ये पूरा 360 बनेगा ना।
सी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ए बी ऑफ सर्कल, फाइंड ए सी बी। बोलता है अब ए सी बी कितना होगा ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं है जी बता देंगे। अब यहां पर हम ऑटोमेटिक अपने मन से एक पॉइंट ले लेंगे डी। अब ये अगर एओबी अगर 100 है तो एडीबी जो है वो क्या होगा, 100 का आधा 50 होगा, हाफ एओबी यानी 50 डिग्री होगा। और फिर एंगल सी प्लस एंगल डी मिलकर के 180 होना है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के प्रॉपर्टी से, तो तुम अगर 50 हो गए हो तो इसको कितना होना पड़ेगा, 130 होना पड़ेगा। यानी एंगल एसीबी कितना निकल करके आया, 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक्स निकालो, निकाल लेंगे जी। यहां पर देखो ओ को एसी पे रखा हुआ है, वो सेंटर है यानी एसी डायमीटर है, एसी जो है वो डायमीटर है। अब एसी अगर डायमीटर है तो डायमीटर जो है वो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये नियम है। यानी ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना, कि सेमी सर्कल का एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अब देखो ट्रायंगल एबीसी में तीन एंगल हैं, एक 90 का है, एक 60 का है, तो 90 और 60 150, यानी ये वाला जो होगा वो कितना होगा, वो 30 होगा। सिंपल लॉजिक। अब ये देखो, इसको देखो करते हैं। इन द फिगर पीक्यू जो है वो आरएस के बराबर है, पीक्यू जो है वो आरएस के बराबर है, ओके। और पीएस जो है वो डायमीटर है, यहां पर एस होगा कहीं, ये डायमीटर है ना। फाइंड एक्स, एक्स निकालने के लिए कह रहा है। तो ये बेसिकली दोनों कॉर्ड पीक्यू अगर आरएस के बराबर है तो इक्वल कॉर्ड जो है वो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल, ये तो पता है कि इक्वल कॉर्ड जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। और यहां पर ये टोटल एंगल 180 डिग्री का बनना है, तो यहां अगर x है तो ऑब्वियसली ये भी x हो जाएगा। यानी अगर POQ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ROS भी होगा, और किसी भी लाइन के एक पॉइंट पे 180 का एंगल बनता है, तो x प्लस 30 प्लस x इक्वल्स 180, 2x इक्वल्स हो गया 180 माइनस 30, यानी 2x इक्वल्स हो गया 150, यानी x जो है वो हो गया 75 डिग्री, यानी ये एंगल 75 डिग्री का है। ये वीडियो 8 मिनट का हो चुका है, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में।